2 to 2.5 liters of water, dark colored urine with burning sensation, pain during micturition, fever with chills. मैं थोड़ा अपना डॉक्टर दक्ष महाजन, आई एम द कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एसोसिएटेड विद अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड टू द यूरोलॉजिस्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. इट डिपेंड्स कि आप कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वो सर्दी का एनवायरमेंट है, गर्मी का एनवायरमेंट है, आपको कितना पसीना आ रहा है, आप कौन से वर्क में इंडल्ज करते हैं, जैसे कि कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो जिसमें पसीना ज्यादा बहेगा उसमें वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. अगर आपका ऑफिस वर्क है जिसमें आप एसी के एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो देन यू हैव टू बी लिमिटिंग योर वाटर इनटेक. तो ये सब चीज़ों को काउंट करते हुए कि जब आप यूरिन पास करें तो आपके यूरिन का जो कलर है दैट शुड बी वाइटिश या लाइट येलो, जिसे हम स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन कहते हैं. अगर आप लाइट कलर्ड यूरिन पास कर रहे हैं तो दैट्स अ साइन दैट यू आर टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. जब आपका वाटर इनटेक कम हो जाएगा तो आपके यूरिन के कलर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो दैट इज अ साइन यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक. यूजुअली जब हम कहते हैं तो दैट अकाउंट्स कि अगर आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन चाहिए तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स वाटर डे, डिपेंडिंग कि आपका नॉर्मल वर्क है उसमें ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा तो 2 से 2.5 लीटर वाटर इज सफिशेंट फॉर यू. अब इतना वाटर को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेरे से पेशेंट्स कहते हैं कि वी हैव अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल, हमारे पास पानी उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होता. तो अ सिंपल टिप वुड बी जस्ट कैरी योर ओन वाटर बॉटल. दैट्स अ टिप जिसकी वजह से आप एडिक्वेट हाइड्रेटेड रह सकते. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द अलार्मिंग साइंस. जब भी आपको यूरिनेशन में कोई दिक्कत आनी शुरू हो, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग पासिंग द यूरिन, यूरिन करते टाइम पे दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, या फिर आपको फीवर आ रहा है ठंड लगने के साथ, तो काइंडली कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट. दिस कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन और सम अदर पैथोलॉजी.